हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग अंशिता दी ब्यूटी टिप्स। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स। अगर आपकी स्किन इसके अलावा बहुत ज्यादा डल हो गई है, स्किन पर शाइन नहीं है, तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो उन सब के लिए है। आज मैं जो स्किन रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ वो हम गुड़हल के फूलों से बनाएंगे। गुड़हल के फूलों को हम बोटोक्स प्लांट के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे लोग बोटोक्स ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं और नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं आज बहुत इजी मेथड इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फेस्टिवल का सीजन चल रहा है तो आप भी बोटोक्स ट्रीटमेंट को कर सकते हैं और अपनी स्किन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। इस फ्लावर में बहुत सारा आयरन, विटामिन सी एंड ऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपकी स्किन को सुपर ग्लोइंग बनाने के साथ साथ आपकी एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन करते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ उसमें एक पैसा भी आपका नहीं लगने वाला है। ये रेमेडी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसके रिजल्ट आपके लाखों में है। आप भी बोटोक्स के रिजल्ट अपने फेस पर देखना चाहती हैं तो इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिए। इस मैजिकल रेमेडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ टमाटर का रस लिया है। टमाटर के रस में बहुत ज़्यादा विटामिन सी और लाइकोपीन पाया जाता है, जो हमारी स्किन को अंदर से क्लीन करता है और हमारी स्किन में निखार ऐड करता है और हमारी स्किन पे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उनको ख़त्म करता है। इसके बाद में मैंने यहाँ हिबिस्कस का पाउडर लिया है। यहाँ पे मैंने गुड़हल के फूलों का पाउडर लिया है। अगर आपके पास में फ्रेश गुड़हल के फूल हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो उन सबको ठीक करेगा। ये बोटोक्स ट्रीटमेंट है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर पर ही कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सो इस फेस्टिवल पर इसे कर आप ज़रूर देखिएगा। मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून लिया है। इसके बाद हमें यहाँ टमाटर का रस ऐड करना है, जितना नीड है उतना ही रस ऐड करना है हमें इसमें। और उसके बाद में हम इसमें जो नेक्स्ट चीज़ ऐड करेंगे वो बाद में करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, अगर आप बोटोक्स ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद में मैं यहाँ 1 टेबल स्पून फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो मार्केट वाला भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारी स्किन को नरिशमेंट तो देता ही है, एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है और हमारे स्किन पे अगर स्पॉट्स हैं उसको भी रिमूव करता है, पिगमेंटेशन को दूर करता है। तो ये तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बहुत अमेजिंग है। तो ये देखिए, ये पेस्ट बनकर हमारा एकदम तैयार हो गया है। और अब हमें फेस पर अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कैसे करना है और कितनी देर के लिए करना है, तो इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस पैक को पूरे फेस पर हमें 20 मिनट के लिए अप्लाई करना है ब्रश की हेल्प से। उसके बाद में जब हमारा पैक सेमी ड्राई होने लगता है तब हमें इसे अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है। आप इस फेस पैक को अपने फेस पर वीक में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। इसके फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही आपको अपनी स्किन में डिफरेंस नज़र आएगा। अगर आप इस ट्रीटमेंट को रेगुलर करते रहते हैं तो आपकी स्किन प्रॉब्लम फ्री हो जाएगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।